अस्सलाम वालेकुम, बैक टू अवर चैनल। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। तो मैंने सोचा पहले यार ऊपर आके ना इनको अपनी डव्स को देख लूँ। इसने भी दो अंडे दिए हुए हैं और ये अंडों पे बैठी हुई है, और ये बाकी दो बच्चे हैं और एक इसमें फीमेल है। मैं चक्कर लगा लूँ पहले और कबूतरों को भी देख लूँ। और ये देखिए हमारा सेटअप इस वक्त कितना कंज्यूम हो रहा है। 0.31 बन रहा है और 0.18 19 कंज्यूम हो रहा है। मतलब अगर अभी मैं मोटर ऑन करूँगा तो इस पे आराम से चलेगी। चलें कबूतरों को देखते हैं, थोड़ा सा दाना ले लेते हैं इनको। पहले मैं आके सुबह खाना दे गया था थोड़ा सा इधर इन्हीं के घर में, अभी खा रहे आराम से, इजी होके फिट हो गए। साथ ही आके मैंने थोड़ा सा नेस्टिंग मटेरियल डाल दिया था इधर, क्योंकि ये उस ब्राउनी ने अंडे दिए हुए बिल्कुल भी मटेरियल नहीं था इधर। ये खुद ही अब घोंसला बनाना स्टार्ट करेंगे। इधर ये अंडों पे बैठी हुई है। यार आज वैसे ना 10वीं मुहर्रम है, सही तेज़ धूप निकली हुई है। देखें कितनी तेज़ धूप है आज। कल मैंने पानी नहीं दिया था, परसों भी पानी नहीं दिया अपनी क्यारी को। इनको देखिए ना, कपड़ा मेरे ख्याल से बिछा लेना चाहिए मुझे नीचे। और ये देखिए यार, वो देखें खुबानी का हाल देखें, सूख गई है बेचारी। इसको मैं अभी ना दबा के पानी देता हूँ। चलें चलते हैं यार, इससे पहले तबाही फिर जाए, पानी देकर आते हैं इनको। लेकिन जाते जाते इनको थोड़ा सा मैं ना खाना दे देता हूँ। इधर ये लो, ये लो। तो यार मैं नीचे आई हूँ अभी। मैंने ना सोचा पहले मैं कपड़ा बिछा दूँ नीचे, क्योंकि गाड़ी आराम से फिर सेव रहेगी। और पानी मैं अभी खोलता नहीं हूँ, पहले मैं ना अंगूर तोड़ लूँ। यार कल बड़ा मज़े का जूस बना था, अभी फिर मैं दोबारा अंगूर काटता हूँ और आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मुझे लॉक खोल लेंगे, क्योंकि मैंने ना घर सारे ना लॉक किए होते इस टाइम। देख लो यार, कोई सांप वहाँ अपना बैठा हो, मौसम भी ऐसा है। और हमारी खुबानी का हाल देखें, सूख गई है बेचारी। इसका भी ताला खोल देते हैं। वो देखी गई है डव, मतलब डव बैठी हुई इधर डिस्प्ले घुमा रही है। अब देखते हैं यार, हम आ गए हैं अपने जंगल में। थोड़े नीचे नीचे जो होंगे ना वो ले काटते हैं आज। कुछ नज़र नहीं आ रहा आज यार वैसे। ये मिल गया एक, एक ही हो गया। और खाओ भाई, और ये लटके हुए हैं। इधर आपको पता है बड़ी बड़ी लिजर्ट्स भी हैं। लेकिन हम ना ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, स्पीड में ना काट के और निकलते हैं यहाँ से। एक ये मिल गया हमें, बल्कि ये मिल गया माशाल्लाह। ये तोड़ दिया, ये भी तोड़ दिया। और मेरे ख्याल से यार इतने सही रहेंगे। अब यार पानी देना है दबा के, क्योंकि मुहर्रम का दिन है और सही तेज़ धूप निकली हुई है। मुहर्रम वाले दिन वैसे भी बड़ी तेज़ धूप निकली होती है, कभी कभार बड़ी तेज़ बारिश भी हो जाती है, लेकिन आज ना इंटेंसिटी काफ़ी तेज़ है। अभी बस दबा के ना इसको पानी देते हैं। मैं ज़रा सेटअप कर लूँ, कोई बल ना आए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पानी आ गया माशाल्लाह, अब इधर देना स्टार्ट करते हैं। पहले नहला दूँ इनको मैं। सबसे पहले इसको नहलाना बड़ा लाजमी है, बेचारे के पास पानी बहुत कम है और सूख रहे।
इसको नहला भी देता हूँ साथ। अब इधर का खुला पानी छोड़ देता हूँ और फिर अपने लींबू को भी पानी देता हूँ। पाँव ग्यारह ग्यारह ना पाँव पहले सही हो गया। अब इनको दबा के, अब चुंटियाँ भी देखें आप सही ऊपर आ रही हैं। इसको मैं यार पहले सारे ना दबा के पानी देता हूँ, फिर आपको ना व्लॉग कंटिन्यू करता हूँ। वेलकम बैक। अनार को भी यार मैंने पानी दे दी जो मैंने इधर उगाया था। ये देखें माशाल्लाह कितना बड़ा हो गया, और गली में भी थोड़ा पानी फेंक दिया। और ये देखें पूरी क्यारी को मैंने दबा के पानी दिया। और ये माहौल चेक करें, अभी इतना ज़्यादा चूस लिया, अच्छा खासा ये ना यहाँ यहाँ तक आया हुआ था पानी। सारी क्यारी को मैंने पानी दे दिया। गार्डन हमारा सही हरा भरा हो गया है, आम भी हमारा सही चमक रहा है अब पानी के बाद। ये देखें ना मेरे पाँव पानी के अंदर तक चले गए हैं। और एक चीज़ की यार सफाई करानी है, ये भी जो पत्ते आप देख रहे हैं ना, ये सारे पत्ते साफ करने हैं, बहुत ज़्यादा पत्ते हो गए हैं। हालांकि ये डिकम्पोज हो रहा है अभी, लेकिन फिर भी ना सफाई होनी चाहिए। ये ना मैं बंदे को बुलाऊँगा, पूरी क्यारी में से सारा ये फालतू के जो पत्ते हैं ये सारा साफ हो जाए। अनार देखें भाई, ये देखें इधर भी पानी दिया है, ज़्यादा ज़्यादा पत्तों के नीचे चला गया है। खुबानी को हमने सही पानी दिया, और ये नींबू को। उम्मीद है ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर अगले व्लॉग पे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।